हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे के खिलाफ दर्ज घरेलू प्रताड़ना की प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी की बहू ने उनके और परिवार वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। अदालत ने दोनों पक्षों के बीच हुए सुलह को देखते हुए ऐसा किया है। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी की बहू रेखा मिश्रा ने भी महिला थाना से केस वापस ले लिया, जिसके बाद पूरे परिवार को बेल मिल चुकी है। वहीं रेखा मिश्रा का कहना है कि लगाए गए सभी आरोप सही हैं, लेकिन केस इसलिए वापस लिया क्योंकि जल्द न्याय मिलने की उम्मीद नहीं थी। तो इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से हमारे संवाददाता कृष्णा है। कृष्णा, ये पूरा मामला क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि केस दर्ज किया गया था, कहा जा रहा है कि इसमें जो सुनवाई होनी है उसमें तारीख पे तारीख मिलती रही, डेट्स मिलते रहे, तो इस वजह से केस को वापस ले लिया गया। क्या कुछ ये पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है कृष्णा? देखिए, ये मामला पिछले साल का है। पिछले साल कोतवाली थाना में मामला दर्ज कराया गया था। मैं आपको बता दूं कि ये डीजीपी डीके पांडे और उनकी पत्नी और ये अपने पति पर आरोप लगाई थी कि ये हमारे दहेज की प्रताड़ना करते हैं, दहेज मांग करते हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि इन्होंने आरोप ये लगाया था कि ये अपने पति पर आरोप लगाई थी कि नामर्द हैं, ऐसा तमाम तरह का आरोप लगाई थी। और उसके बाद इनका एक ही बात कहना है कि अभी जैसे 5 साल हमने अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं गुजारी, आने वाले समय भी जिस तरह से केस घींच रहा है, आगे चल रहा है, डेट पड़ रहा है, उसको लेकर अब यही लगता है कि आगे भी जिंदगी इसी तरह से गुजरेगी, मगर उसको देखते हुए हम इस केस को वापस ले रहे हैं। और फिर से सुलह हो चुकी है, अब फिर से ये बातें सामने आ रही है कि फिर से एक साथ फिर अपने फैमिली में जुड़ेंगी और परिवार के साथ रहने के लिए मान गई। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका। तो झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे पे जो खिलाफ प्राथमिकी दर्ज थी उसे वापस ले लिया गया है। तमाम परिजनों को भी बेल मिल चुकी है। बुलेटिन में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, बने रहिए नेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।